सोलन मानव भारती में डिग्रियों के फर्जीवाड़े की खबर फैलते ही अब विभिन्न छात्र संघ सक्रिय हो गए हैं। इसी को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय में डिग्रियों का फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसमें अब एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन ऐसे में अब उन छात्रों का भविष्य अधर में अटक चुका है जो विश्वविद्यालय में नियमित रूप से शिक्षा हासिल कर रहे हैं। सोलन मानव भारती में डिग्रियों के फर्जीवाड़े की खबर फैलते ही अब विभिन्न छात्र संघ सक्रिय हो गए हैं। फर्जीवाड़े को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय में डिग्रियों का फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसमें अब एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन ऐसे में अब उन छात्रों का भविष्य अधर में अटक चुका है जो विश्वविद्यालय में नियमित रूप से शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में उन बेकसूर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर जल्द ही प्रदेश सरकार उनकी सुध नहीं लेगी तो एनएसयूआई आंदोलन का रुख अपनाएगी। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने भी सोलन में ये शिक्षण संस्थान खुले हैं वो भाजपा के समय में खुले थे और इस फर्जीवाड़े के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जब छात्रों का समूह शिक्षा मंत्री से मिला तो उनका कहना है कि इसका जिम्मेवार नियामक आयोग है। आप उनसे इस संदर्भ में प्रश्न पूछें और ये कहकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, जिससे साफ पता चलता है कि भाजपा इस गोलमाल का सारा दोष नियामक बोर्ड पर मढ़कर अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहती है, लेकिन हकीकत में भाजपा ही इस फर्जीवाड़े की जिम्मेवार है, क्योंकि सैकड़ों शिकायत करने के बाद भी उन्होंने इस पर सही समय पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सत्यता सादगी और सुंदरता पर डिग्री फर्जीवाड़े से ग्रहण लग गया है, जिसकी वजह से छात्रों को शर्मसार होना पड़ रहा है। एक छात्र का डेलीगेशन है स्टूडेंट का, जो माननीय शिक्षा मंत्री मोदी जी से मिला, तो उन्होंने इस मुद्दे की कार्रवाई की निर्देश देने के बजाय उन्होंने कहा कि ये हमारा कोई वो नहीं है, आप इसके लिए रेगुलेटरी कमीशन हमने बनाया उससे देखें। अगर आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, छात्रों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी धांधली हुई है, हिमाचल प्रदेश की नहीं मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धांधली है, जहाँ पे 5 लाख डिग्रियाँ जो है वो फ्रॉड में बेची गई है, और इसके कारण हिमाचल प्रदेश की जो देवभूमि है आज हिमाचल एक सादगी ईमानदारी का जो प्रतीक होता था प्रदेश, आज वहाँ पे एक बेईमान फ्रॉड और बाहर के जितने भी प्रदेशों में हमारा एक वो स्तर गिर गया है कि कहा जाता है कि वहाँ पे फ्रॉड डिग्रियाँ बेची जा रही। इतना ही नहीं, जिन लोगों को फ्रॉड डिग्रियाँ बेची जा रही है उन लोग कहीं अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको वेरिफिकेशन मेल नहीं मिल रही। वेरिफिकेशन मेल तब मिलेगी अगर वो रेगुलर स्टूडेंट है। इसीलिए जो स्टूडेंट यहाँ पे जो बाहर से आते हैं, आप इसका अगर आपको ये देखना है जब एग्जामिनेशन टाइम है तब आप देखेंगे कि मानव भारती की सड़कों पे दुनिया भर के स्टूडेंट का तांता लगा रहता है, लेकिन जब क्लासेस का टाइम है तब वहाँ खाली होता है। तो ये तो क्लियर है कि भाई वहाँ पे जो फर्जीवाड़ा वो आज से नहीं 2008 से चल रहा है। प्रदेश के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं अगर ये पल्ला झाड़ रहे हैं तो हमारे को तो ये लग रहा है कि इनकी सोची समझी चाल है, क्योंकि इनकी ही सरकार में ये जो विश्वविद्यालय है इनको मान्यता दी गई और आज फिर से इनकी सरकार में इतना बड़ा जो वो है वो उजागर हुआ है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त लाए छोटे से ब्रेक, आए मिलते हैं ब्रेक के बाद।